शांति। आज की तारीख है 11/9/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा, जो कि ज्ञान के सागर हैं। तो वो हमें कर्म अकर्म और विकर्म अर्थात पाप और पुण्य, हमें इन कर्मों की गहन गति का भी ज्ञान देते हैं, जिससे हम अपने कनिष्ठ कर्मों को करने से बचें और सदैव ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जिससे सर्व को सुख की प्राप्ति करा सकें और उनके दुखों को हर सकें, और हम किसी को भी दुख न दें, सबको सुख देने वाले सुखदाता बने। तो आइए सुनते हैं मुरली। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छे कर्म करो, ऑलराउंडर बनो और दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है आज का, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पद्म पति बन सकते हो? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। तो बाबा कहते हैं, आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्तियां बतलाई है। क्या युक्ति बतलाई है? कि बच्चे सभी को आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो, मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, ऐसे ही सभी देहों के अंदर भी आत्मा है, तो सभी को आत्मा स्वरूप में देखें। इस मेहनत से ही तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्म पति बन जाएंगे। गीत बजा है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक है, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है। क्या? कि बाबा जो आप खिलाओ, जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। नंबर दो है, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है, ज्ञान की धारणा कर औरों को भी करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। वरदान है आज का, मेरे पन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले। हाँ, सारे दिन में हम कितना मेरा 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 करते हैं, कभी मोहवश, कभी लोभवश, कभी देह के अहंकार के वश। तो बाबा कहते हैं, मेरे पन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय और बेफिक्र बादशाह भव। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। हाँ, धन है तो धन को संभालने का चिंता भी है, तो वो कोई लूट के ले न जाए उसका भय भी है। जितना धन उतना ही भय में ही खाते, भय में ही सोते हैं। जहां मेरापन है वहां भय जरूर होगा। हाँ, सभी नोट करें, जहां मेरापन होगा वहां भय जरूर होगा। कोई सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे को चेक करके उसका त्याग करो, तो निर्भय
और बेफिकर बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन है आज का, दूसरों के विचारों को सम्मान दो, दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः ही प्राप्त होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।